तो क्या हाल है तुम लोगों का। तो आज हम बात करेंगे कैसे बच्चे की जिसकी हर लड़की पप्पियां लेना चाहती है। और यार इस बच्चे की ना जिंदगी तुम्हारी पूरी जिंदगी से अच्छी है, क्योंकि पाकिस्तान की टॉप हीरोइंस ने इस बच्चे की पप्पियां ली हुई हैं। और यार पता नहीं क्यों इसकी पप्पियां लेती हैं, क्या है इस बच्चे में भाई। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। टैलेंट तो इसमें कोई है ही नहीं, फेमस ही क्यों हो गया। खरबूजे जैसा इसका मुंह है और तरबूज जैसा इसका पेट है। और वैसे चलो ठीक है, कयूट है बच्चा, कयूट भी है, लेकिन हर बच्चा ही कयूट होता है यार, हर बच्चा ही क्यूट होता है, हर बच्चा ही प्यारा होता है, हर बच्चा ही। और जो ये बच्चा बातें करता है ना, फनी 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 बातें, वो हर बच्चा ही फनी बातें करता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस बच्चे की किस्मत अच्छी थी, इसकी माँ ने या हाँ इसकी टीचर ने इसकी वीडियो बना दी और ये फेमस हो गया। लेकिन यार ये बच्चा थोड़ा बदतमीज़ है और ये बात माननी पड़ेगी। और ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये मीडिया में आया, ये इसलिए क्योंकि इसके घर वालों ने इसको अच्छी तरह तमीज़ नहीं सिखाई। अभी पिछले साल ना ये निदा यासिर के शो में आया था और इसका भाई और ये गेम्स खेल रहे थे। ये उसको मारने लग गया कि तू क्यों जीता है और मैं क्यों हारा हूँ, और रोने लग गया और मारने लग गया उसको। और अभी भी जब वसीम बदामी और ये आपस में आजकल गेमें खेल रहे हैं ना, उसके शो में आता है, तो जब वसीम बदामी जीत जाता है ना, ये कहता है नहीं आप तो नहीं जीते, मैं जीता हूँ, अपनी हार भी नहीं मानता। यार ये बच्चा अगर बड़ा हो गया ना, तो इसने मुझे लगता है बदमाश ही बनना है। ऊपर से यार हमारी आवाम जो कि किसी अच्छी चीज़ को फेमस नहीं करती, जैसे कि टिकटॉक और यूट्यूब है ना, अपनी टिकटॉक पे ना कुछ लोग अच्छा कंटेंट भी बनाते हैं और यूट्यूब पे भी कुछ लोग अच्छा कंटेंट बनाते हैं, लेकिन हमारी जो पाकिस्तानी आवाम है ना, उन्होंने टिकटॉक पे खुसरों को ही फेमस करना होता है। अब इस बच्चे में टैलेंट तो कोई है नहीं, क्या टैलेंट है भाई इसमें, क्या टैलेंट है, क्या मुंह से आग निकाल लेता है ये बच्चा, ताड़े गिनता है रात को छत पे जाके, या फिर एक हाथ पे खड़ा हो जाता है ये बच्चा, या फिर ये बच्चा कोई बाबा है जो लोग इसके पास आते हैं और ये लोगों की ख्वाहिशें पूरी करता है। टैलेंट क्या है इसमें भाई, मुझे बताओ, टैलेंट तो कोई है ही नहीं इस बच्चे में। ऊपर ऊपर से जब से बच्चा फेमस हुआ है ना, तो हर चैनल इस बच्चे को अपने पास बुलाना चाहता है ताकि उनकी TRP रेटिंग या फिर जो भी इसको कहते हैं वो आए। अभी तो ये बच्चा मासूम है, तो ऐसी क्यूट क्यूट बातें करता है, लेकिन जब ये बड़ा हो जाएगा तब ये सारी बातें नहीं किया करेगा और तब कोई इसको नहीं जानेगा, ये बच्चा बिल्कुल गायब हो जाएगा, जैसे कि आजकल हर चैनल पे ये आ रहा होता है। तो जब ये बड़ा हो जाएगा तब ये बिल्कुल ही गायब हो जाएगा, मुझे लगता है। हो सकता है इसको एक्टिंग वगैरह में चांस मिल जाए, लेकिन यार एक्टिंग एक टैलेंट है, हर किसी में नहीं होता, तो अगर इसमें टैलेंट हुआ तो हो सकता है ये चल जाए आगे जाके। बाकी यार थोड़ी इसके घर वाले इसको तमीज़ सिखाएं और बाकी दुआ करो यार। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो में कोई बात बुरी लगी तो सॉरी, जस्ट आपको एक मजाक में बनाई है वीडियो। तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आई तो, नहीं आई तब भी कर दो यार सब्सक्राइब, तुम्हारे कौन सा पैसे लग रहे हैं। शेयर करो, लाइक करो, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।